आज मैं आपको बताने वाला हूँ केरला इशूड बर्थ सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। देखो आज ही मेरे पास एक केरला इशूड बर्थ सर्टिफिकेट का डिजिटल कॉपी है, इस तरह का डिजिटल प्रिंटआउट वाला कॉपी होगा। ये देखेंगे तो एक प्रिंटआउट है और इस पे डिजिटल QR कोड है। इस तरह का सर्टिफिकेट लेटेस्ट होगा तो इस पे अपोस्टाइल होता है, नहीं तो ओल्ड सर्टिफिकेट हो गए उसका जेरोक्स कॉपी कलर कॉपी पे नहीं होता। इस तरह का डिजिटल QR कोड होना ज़रूरी है तभी इसके बैक साइड पे अपोस्टाइल प्रोसेस होता है, नहीं तो ओल्ड वाला अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसको उसके पे बर्थ रजिस्टर का स्टैम्प और साइन होना ज़रूरी है, मतलब इशूइंग अथॉरिटी होगा केरला का जो भी, उसका रबर स्टैम्प होना और साइन होना ज़रूरी है तभी ही उस पर अपोस्टाइल होगा। तो ये अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे को चाहिए होता है या फिर ये स्कैन कॉपी चाहिए होता है QR कोड वाला, और पासपोर्ट का बच्चे का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। काफ़ी बार ओल्ड सर्टिफिकेट होते हैं लोग लैमिनेशन करके रखते हैं सेफ रहने के लिए, अगर अपने उसको लैमिनेशन करके रखा है तो डरने का कोई बात नहीं है, उसका लैमिनेशन हम लोग प्रॉपरली बैक साइड से रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं। और कभी भी अपोस्टाइल कलर कॉपी जेरोक्स कॉपी या स्कैन कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल के बैक साइड पे ही होता है। ये देखो ये अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है तो बैक साइड पे इसका सब स्टैम्प लगता है। तो सबसे पहले इसको दिल्ली से अपोस्टाइल करने के लिए नोटरी किया जाता है, नोटरी होने के बाद में एडवोकेट का उस पर ऐसा सिग्नेचर होता है। ये एडवोकेट का स्टैम्प होने के बाद में इसको SDM में सबमिट किया जाता है। SDM देखो यहाँ लिखा है SDM, SDM का फुल फॉर्म है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। देखो यहाँ लिखा है, देखो SDM का फुल फॉर्म इधर लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट में हम सबमिट करेंगे तो सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का ऐसा स्टैम्प लग के फिर ये सिग्नेचर हो जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होता तो सब डिवीजन नहीं, इस पे फिर महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट होके फिर अपोस्टाइल होता था। अगर महाराष्ट्र का बाहर का सर्टिफिकेट होगा कोई भी स्टेट का, महाराष्ट्र का बाहर का कोई भी स्टेट का होगा तो दिल्ली से SDM करके उसको अपोस्टाइल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो चर्च इशू सर्टिफिकेट आते हैं, निकानामा आते हैं, ये सब सर्टिफिकेट होंगे तो उस पर अपोस्टाइल नहीं होता है। गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट होगा तो ही उस पर SDM होकर अपोस्टाइल होता है। अगर चर्च इशू सर्टिफिकेट है या फिर काजी से इशू निकानामा सर्टिफिकेट है तो आपको उसको पहले आपका स्टेट का जो स्टेट से है वहाँ का स्टेट का होम डिपार्टमेंट करेंगे तो ही दिल्ली से ये अपोस्टाइल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट इशू है तो SDM बेस पे अपोस्टाइल हो जाता है। तो ये SDM होने के बाद में फिर इसको हम लोग को MEA में सबमिट किया जाता है। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही ये अपोस्टाइल इशू करता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट क्या दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आगे बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो यहाँ वो डॉक्यूमेंट का डिटेल लिख के आएगा। देखो यहाँ लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट और देखो यहाँ लिखा हुआ है अपोस्टाइल, ये अपोस्टाइल MEA इशू करता है। फिर MEA में जो ऑफिसर होता है उसका उस पर रबर स्टैम्प लगता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होने के बाद में ऑफिसर इस पे साइन करता है। अगर आपको ये सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करना है तो आप मेरे को मुंबई कुरियर कर सकते हैं। काफ़ी लोग मुंबई कुरियर करने के लिए डरते हैं तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है। हम लोग 14-14 ईयर से अपोस्टाइल अटेस्टेशन सर्विस करते हैं। अगर आपको अपोस्टाइल करना हो, अगर आपको पेमेंट का भी डर लगता है तो आप पेमेंट बाद में कर सकते हैं, पहले डॉक्यूमेंट आपको कुरियर करके फिर आप अपोस्टाइल होने के बाद में मैं आपको स्कैन करने के बाद में भी आपको बाद में भी आप मेरे को पेमेंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और लैमिनेशन कभी भी सर्टिफिकेट का आप रिमूव करने मत जाइए, ठीक है, हम लोग लैमिनेशन रिमूव करने में एक्सपर्ट है तो हम लोग वो प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको अटेस्टेशन अपोस्टाइल रिलेटेड वीडियोस हमको आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल एजेंसी से है, ट्रैवल रिलेटेड वर्क करते हैं, तो जो भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अटेस्टेशन अपोस्टाइल इमिग्रेशन रिलेटेड आते हैं तो उसका वीडियोस डालते रहते हैं।
तो वो वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।